इस्लामाबाद के रिहायशी तारिक शाह अगस्त 2012 को बच्चों के हमरा ईद के रोज रिश्तेदारों के यहाँ खुशियाँ मनाने पेशावर निकला, लेकिन किसी को ये मालूम न था कि ये खुशी तहयात एक दर्दनाक वाकया में बदलेगी। पेशावर के जीटी रोड पर तामीराती काम के लिए रखे गए मवाद से अचानक गाड़ी टकरा गई, जिसके नतीजे में तारिक शाह के चारों बच्चे हसीना शाह, शुमाइला शाह, मशाल उर्फ काशी और आयशा शाह मौका पर जा बहक हो गए। और मैं इनसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मैं ये जो भी करता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ इनके प्यार में करता हूँ। कुलीग है, मेरी जो फैमिली है बैरूनी मुल्क में है, उन तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मुझे अपनी बेटी आयशा शाह के साथ दफन किया जाए। तमाम बच्चे तारिक शाह के आबाई कब्रिस्तान पेशावर के नवाही इलाका मतनी में दफन हैं। उनकी सालगिरह हो या बरसी, कब्रिस्तान ही में मनाई जाती है। कि मुझ में ब्लड सर्कुलेशन की तरह ये बच्चे रहते हैं। मैं इनकी यादों पे, इनकी इन बसरी पे, इनकी बर्थडे पे जिंदा हूँ। मैं भी अगर मैं ये ना मनाऊँ इनकी ये बर्थडे तो शायद मैं पट जाऊँगा। तारिक शाह की ख्वाहिश है कि उन्होंने जो दर्द देखी है दूसरों को कभी न मिले, लिहाजा सड़कों पर तामीरात के वक़्त सड़कें क्लियर रखना चाहिए ताकि उस जैसे कोई भी जिंदगी के प्यारों से महरूम न हो। कैमरामैन बिलाल क्यूम के साथ आफ्ताब मोमन 24 न्यूज़ पेशावर।